know why he'd go. Wind of the world never favors them. And a person which knows where to go, wind of the world always favors them. And ultimately, the person which knows that where I have to go, where she or he knows well, and he putting his efforts all times to reach his destination, wind of the world favors them. And ultimately, he reaches there. That doesn't matter whether he reach fast, whether he reach slow. But matter is here, he doesn't stop. Agar wo rukega, that matters. But slow or later, he will reach. He will definitely reach. And reach his destination, he never follows. He never falls down. So, जो मेरा आज का ये सिस्टम है, जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जो हम ट्रेजेडी, जो हम स्ट्रैटेजी चूज करते हैं आगे जाने की, वो हमारी गलत है. बिल्कुल 100% रॉन्ग एंड रॉन्ग. इफ यू फॉलो द ऑनेस्टी, सिविलाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी, अ ग्रेट माइंड, यू आर नॉट एंगेज यूर सेल्फ टू लेट डाउन द प्लेजर ऑफ अदर्स. एंड इफ यू एंगेज देमसेल्व्स, हाउ यू choose your goals. Because particularly in our town, in our state, they don't have written the goals. If the person not know where to go and not wo apna goal nahi rakhega, that never reaches anywhere. Goal rakhna zaruri hai. Humne apne aap ko is tarah se engage kiya hai ki hum apne dukhon se dukhi nahi hai, hum dusre ke sukhon se dukhi hai. Yaar mera to lagega aapko ye painful lagega is time, but that's real truth. That's real truth yaar. हम चाहते हैं, हम कभी अपने गमों को नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे को खुशियों को देख रहे हैं. क्या कर रहे हैं यार, क्या मकान बनाया, हम इसे बड़ा बनाएंगे, चाहे हम गलत करें या ठीक करें. गलत की तो जब आप अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, और जो आपका बंदा आगे सामने है उसका रिसोर्स ज़्यादा हो, वो कुछ कर रहा है, अगर आपने उसको फॉलो किया, लेट इट डाउन, आप किसी जगह पहुंच नहीं पाओगे. यू नेवर रीच योर डेस्टिनेशन. You never reach your goal because you don't have a goal. आप दूसरों को देख रहे हो. अरे अपने आप को पढ़ो. जिंदगी में तुमने आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है दूसरों की. The proud things you have studied till. But what you want, you never study that. आपने उस पर रिसर्च नहीं किया, आप अंदर से क्या चाहते हो. दूसरों को खुशी करने करने में आपकी जिंदगी निकल जाती है. अरे जिस रिश्ते के लिए आप 10 साल से परेशान हो, 10 साल में कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है आपका, उस रिश्ते को छोड़ दो. छोड़ दो रिश्ते को. हो सकता है आपके छोड़ने के बाद वो आपके पास आ जाए. अरे जिसको आप उम्र भर सॉरी 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 बोल रहे हो यार, सॉरी एक बार ठीक है, दूसरी बार ठीक है, तीसरी बार ठीक है, लेकिन 1000 बार सॉरी बोलना गलत है. दैट्स रॉन्ग. आपकी जिंदगी निकल जाएगी. आप चाहते क्या हो वो आप कभी पा नहीं, वो आप कभी पा नहीं सकते. दूसरों की टांग को मत खींचो. अरे यार आपको ये पता है, जब आप किसी को चाहते हो कि रुक जाए, आप उसके पीछे लात मार रहे हो. ही इज ऑलवेज इन अ रश बिकॉज ऑफ हिज राइट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ हिज राइट माइंड सेटअप. आप उसको पीछे से धक्का मार रहे हो. ही इज ऑलरेडी इन एट हिज स्पीड टू अचीव हिज गोल्स. जब आपको पीछे से आप उसको धक्का मार रहे हो, उसकी रेस और बढ़ जाती है, वो 100 पे पहुंच जाता है. जितना आप चाहते हो कि रुक जाए, वो तो आगे ही निकल जा रहा है टू रीच हिज डेस्टिनेशन. अरे यार अगर उसको रोकना है तो उसके आगे जाओ. To become number one is easy, very easy. But to remain always number one, that's very difficult. In do cheezon mein farak hai bahut. To become number one, that's easy. To remain always on top, that's very difficult. My dear friends, that's very difficult. Apni जब आप पूरी जिंदगी गुजारते हो कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करूं, दूसरे मुझसे खुश जाए, जो आपके अराउंड है लोग आपसे खुश है. एज पर रिसर्च 95% पीपल आर पेसिमिस्टिक. हाउ यू रिकॉग्नाइज द पर्सन विच आर ऑप्टिमिस्टिक? 5% लेफ्ट ओनली. मैं उनमें से आपको बोल दूंगा 2%, दो और बोल दूंगा मैं जो आपके वेल विशर्स है, उन 5 में से दैट्स योर पेरेंट्स, मदर, मेबी दैट्स योर फैमिली. सो फ्रेंड्स, so how you can recognize which you are your well wishers, that's very difficult. लोगों को छोड़ दो,
जिनके जिनके पीछे आप चाहते हो कि वो आपसे खुश हो जाए, वो तो कभी खुश नहीं होंगे। चाहे टिल 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 योर डेथ, कोई खुश नहीं होगा आपसे। अपने आप देखो क्या चाहते हो, उसको फॉलो करो। पोटिंग यू आर फर्स्ट, पोटिंग यू आर फोर्स, दिस इज माई फर्म बिलीफ, यू आर रीच योर डेस्टिनेशन। बट अगर आपने यही चाहा कि लोग खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, अरे यार मैं कहता हूं लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे। I already told you, research is there, 95% are pessimistic people and 5%, it's very, very difficult to recognize the well-wishers. That's very difficult to ask. अरे आज बहुत बार पूछा मैंने, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर है, जो हमारे मौलवी है, जो हमारे टीचर्स है, टू टाइम्स माइकल चॉ, दैट इज अ फेमस राइटर ऑफ USA, he declared two times, he written a book that will take I think so one decade, 100 personality of the history, and he declared twice, yaar jaan chali jaye hamare rasool pe, sadke jaao us pe, kya life usne hame dikhayi hai, but we forget all, we know all the things but not practically implemented. I see here a lot of things I have to gain here in USA. I have a lot of experience now. They have adopted 3-4 things, 100, more than 100%. Honesty, hospitality, civilization, no show off, the show off, which kills our society, day by day. अरे यार उसके पास वो गाड़ी है, अरे बैंक से लोन ले लो, मैं वो गाड़ी ले लूंगा। अरे यार इस शो ऑफ को छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी कब निकल जाए ये तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। आप सांस ली कब, आप सांस लोगे या नहीं आगे ये भी किसी को पता नहीं है, एक सेकंड में आपकी डेथ हो सकती है। अरे अपनी जिंदगी जियो, जो आप चाहते हैं वो करो, गरीब कोई नहीं है, गरीब हमारी सोच है, सिर्फ और सिर्फ गरीब हमारी सोच है। आप अमीर का फंडा देखो, वो 8 साल तक प्लान करते, आइडियाज बनाते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, हु इज ओनर ऑफ कोका कोला, हु इज ओनर ऑफ अमेज़न, हु इज ओनर ऑफ व्हाट्सएप, हु इज ओनर ऑफ फेसबुक, जिस पर्सन ने व्हाट्सएप बनाया उसने फेसबुक वाले को 1900 आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोस आर मिलियन डॉलर्स उसने वो अपना व्हाट्सएप बेच दिया। लेकिन एक बात कहूं, मुझे मेरा इससे क्या बात, क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये, बिकॉज जब उसने पहले इस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ डाला, वो पहले फेसबुक को जॉब मांगने गया, दे डिनाइड, उसने उन लोगों को जॉब नहीं दिया। 10-15 साल उसने मेहनत की एंड ही इन्वेंटेड व्हाट्सएप, यू नो, क्योंकि 12 घंटे तो हमारे पास होगा, हमारे कल्चर में, हमारे कश्मीर में हर किसी के पास फोन रहता है, अब तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा यार, ये वही व्हाट्सएप है जिसने बनाया। और उसी बंदे ने उस व्हाट्सएप को भेजा फेसबुक को, हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स, यू कैन नॉट इमेजिन। अरे यार हर किसी की शक्ति होती है किसी चीज में बनने की। अरे हमारे पास वही 24 आवर्स है जो बुश के लिए थे, जो मोदी के लिए थे, जो किसी भी आप वैल्यूएबल पर्सन को देखो, हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास थे वही 24 आवर्स हमारे पास। वक्त में कोई कमी नहीं है, बट हम वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और वक्त हमें बर्बाद कर रहा है। जिस बंदे ने वक्त को बर्बाद किया वो बंदा डेफिनेटली उसको वक्त बर्बाद कर देगा। आप सोचो हम कहां हैं, वेरी बैड यार। अरे आपकी जिंदगी से सिर्फ आप जुड़े नहीं हो, आपकी जिंदगी से एक फैमिली जुड़ी हुई है, आपके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को मारा मार कर आपको अच्छी स्कूलों में पढ़ाया, और आप कह रहे हो तुझे देखा तो ये जाना सन, आई लव इज टू सम एक्सटेंट ग्रेट, बट यू आर योर स्टेप्स, you are imagination, you are thinking, you are creative, when it follows up one single step, that's love, that's nothing. मेरे भाइयों सब कुछ पाओगे आप, मैं अपनी यंग जनरेशन को कहता हूं सब कुछ पाओगे आप, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को बनाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको बापा बाप बन रहा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, समथिंग, अरे वो बनो जो आप बनना चाहते हो, लेकिन कंसंट्रेट करो उस पर। अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ओलंपिक्स में जाओ, जो भी गोल्ड मेडल देता है
पांच मिनट की परफॉर्मेंस करता है वो वहां पे, लेकिन सब कहते यार पांच मिनट में करोड़पति बन गया, लेकिन वो उन हजार घंटों और हजार मिनटों की परफॉर्मेंस होती है। फॉर परफॉर्मिंग ए सिंगल फाइव और फोर मिनट्स टू बिकम ए गोल्ड मेडलिस्ट, उसको कोई नहीं देखता। इस बंदे ने मेहनत कितनी की है, ये तो सोया नहीं है। कोई किसी, हम स्टेट को ब्लेम कर रहे हैं, हम कंट्री को ब्लेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया कंट्री के लिए, हमने क्या किया स्टेट के लिए, हमने क्या किया अपने टाउन के लिए? दे विल ऑफर यू अ जॉब, और परिंदों को तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की। यार वो तो खुद समझते हैं, यार वो तो खुद समझते हैं ऊंचाई पहाड़ों की। अगर एक बर्ड को पता है कि मुझे आसमान में उड़ना है, अगर मैं इतना लो उड़ूंगा तो मैं आसमान से पहाड़ से टकरा जाऊंगा, दिनो कोई उनको तालीम नहीं देता। अरे फिर भी आपको अल्लाह ताला ने ये दे दिया है, ये इस खोपड़ी को थोड़ा घुमाओ, इसको जगाओ। What's right? What's wrong? What's happening? कुछ नहीं पाओगे आप लाइफ में, देखो कहां जा रहे हो। अरे यार मां बाप आपको देख रहा है, जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमें ऊपर जाने के लिए ज्यादा मेहनत की, वो कभी पिकनिक पे नहीं गए, अरे हम तो हर रोज जा रहे हैं। अरे बाप के पैसों को खर्च करने में मजा है, लेकिन उतना भी मजा नहीं है। आप जिस लोग ने आपको मजा दे दिया आप उसी को उड़ा रहे हो। अरे दे डू समथिंग पास लेट यू डू, आप भी करो ना अपनी पेरेंट्स के साथ, आपके कल बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, उनके लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर योर लिटिल। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो उसको दे दो, अपने इन अरमानों को जगाओ। ये मत सोचो वो क्या कहेगा, इफ आई एम गोइंग दिस एक्ट, इफ आई एम गोइंग दिस एक्शन वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या, ये मत सोचो, अपनी विल पावर को देखो और आगे जाओ। अरे यार 24 आवर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वक्त वापस आने वाला नहीं है तुम्हारे पास। ये दिन, ये मार्च, ये मंथ, ये महीना, ये सेकंड नहीं आएगा तुम्हारे पास वापस। इट्स लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, व्हेन यू टच इट एंड यू नेवर टच द सेम वाटर, सेम फ्लो ऑफ वाटर, नेवर, इट नेवर हैपन्स। आपके पास वक्त गया तो सब कुछ गया। अपने वक्त को मैनेज करो, नॉट मीन मिस मैनेज, वो आपको बर्बाद कर देगा। वक्त को यूटिलाइज करना सीखो। अरे हमारे मौली जुमा में कहते हैं अक्सर, अरे रिज़िक देने वाला तो वो है। अब मैं किसी को कहता हूं यार क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, नीट की पढ़ाई करो, आईएएस की करो, केएएस की करो, हर कोई कहता है रिज़िक देने वाला खुदा है। अरे यार वो चमचा लेके आएगा तुम्हारे मुंह में ठोस देगा वो। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो फॉर एक्ट, यू हैव टू गो फॉर एक्शन, यू हैव टू गो फॉर डिसीजन। तीन चार बातें हैं जो आपको रेस्पेक्ट दे सकती है, जो दूसरों को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अरे अगर आपका कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आप उसी में डूबे हो। अगर आप किसी को फोन पे हेलो हाउ आर यू, आपकी आवाज सुनना चाहता था, अरे यार आवाज तो क्या, वो आपकी लाश भी देखना नहीं चाहेगी कल। क्यों अपने आप को मार रहे हो? आइडिया बनता कांड तो बहुत करता है लेकिन आगे भी जाता। अगर नरेंद्र मोदी 10th या 9th, अभी तक तो आरटीआई के हिसाब से कोई जॉब नहीं आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन का। लेकिन मैं तो कहता हूं बंदा यार सही है, लोग उसके खिलाफ गालियां दे रहे हैं, लेकिन ही टेल्स टू आई वाज टीम मेकर, आई वाज डू लाइक दैट देन प्रेजेंटली सेकंड टर्म बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड रिमेंस मोर देन 3 टाइम्स आई थिंक सो नॉट फुली नो आई डिड 2 और 3 टाइम्स बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अगर वो 10वीं जमात में, 8वीं जमात में, 5वीं जमात में, मम्मा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, उसकी मम्मा क्या कहती वापस पता है आप लोगों को? वो उसको वापस कहती यार यजार था बराबर ना था के लिए बराबर, ध्यान थी क्या बोलते प्राइम, यू थी क्या बोलते ब्लडी क्लर्क, यू थी क्या बोलते अकाउंटेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग आई एम बिकम टू प्राइम मिनिस्टर, व्हाट नॉनसेंस स्टूपिड यू आर, बट प्रेजेंटली ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, शो दैट इज द एफर्ट्स। कहीं रातों को नहीं सोया, कहीं सालों को नहीं सोया होगा वो, क्योंकि बट पुटिंग यू आर एफोर्ट्स कंटिन्यूअसली एंड आई होप सो दैट आई हैव अ फर्म बिलीफ
that a person which putting their efforts continuously he never be a failure. पता है आप लोगों को, अगर खुदा को भी कोई बंदा पसंद नहीं हो, लेकिन जब वो हार्ड वर्क पे हार्ड वर्क ठोकता है ना, हार्ड वर्क पे ठोकता है, तो खुदा भी कहता है यार इसको दे दो, इसने मुझे परेशान किया है, इसको दे दो, जो ये चाहता है इसको दे दो, किसी बंदे को रोक लो जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, इस बंदे को दे दो, ही डिजर्विंग, इसने यार मेरे कान भी खा लिया है। सोचना जरूरी है, एक्ट जरूरी है, डिसीजन जरूरी है। जब खुदा ने वो कुछ भी कर सकता है, गिविंग लिटिल बिट सेकंड स्पॉट ऑफ सेकंड कर सकता है हमारा गॉड। उसने जमीन और आसमान को क्यों लगा दिए, सात दिन क्यों लगा दिए उसने, सात दिन बनाने में वो दिखाना चाहता था, अरे वहां का हमारा सिस्टम देखो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई वो समथिंग, वो अल्लाह वो तबलीगी जमात में जा रहा है, व्हाट इज अ फन दैट, जो अपने प्रोफेशन के साथ वफा नहीं कर सकता वो अल्लाह वालों के साथ क्या जा रहा है। उसको तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कुर्सी दी थी, इफ ही सर्व द पीपल आई थिंक सो, उसके लिए कुछ नहीं था, वो तो जन्नत में इजी जा सकता था। हिम्मत सोचो, कोई अल्लाह वालों के साथ जा रहा, कोई अफोर्ट्स माँ बाप को दुख देके, कोई हाँ मैं कहता हूं नमाज पढ़ो, पांच टाइम पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें, यू प्रे नाइट में प्रे करो, तहज्जुद पढ़ो, कौन रोका है तुम्हें, लेकिन ये मत सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ मुझे तबलीगी जमात में, मुझे वो करना है वे करना है, यार वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव बीन क्रिएटेड सम सॉलिडरी रीजंस, वन सॉलिडरी रीजन इज दैट टू क्रिएट अ पाथ फॉर अ ह्यूमन बींग, ही फील्स हैप्पी, हाउ अमेजिंग इज दैट, कितना आप अपने आप को खुश महसूस करो, अरे खुशी को खुश देखे, किसी को खुशी दे दो, किसी की खुशी मत छीनो, खासकर अगर आप किसी गैर को खुशी नहीं दे सकते, अपने पेरेंट्स को दे दो यार, वेयर आर यू गोइंग, क्या कर रहे हो तुम, जीने का मकसद है कुछ, अल्लाह ताला ने भेजा है नहीं यहां पे, दैट्स अ पार्ट टाइम जॉब, वो कहना चाहता है, वो देखना चाहता है किसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, किस जिस बंदे को मैंने प्रोफेशन दे दिया वो उस प्रोफेशन पे उतरा है कि नहीं, या भाग रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी नीड टू बिकम अ जॉर्ज बियर ऑफ सोसाइटी, मैं कहता हूं आई फर्मली दैट हमारी 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 जो है ना ये यूथ्स है, दे आर गोइंग टू कंप्लीटली इन द डॉग पेयर, दे डोंट नो व्हेयर टू गो, putting a mobile 24 hours in their hands, they don't know what they are doing. अरे यार एक message करते हो या अपना